हेलो एवरीवन, कुकिंग तड़का विद पूजा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ स्वाद में जबरदस्त बिल्कुल ढाबा स्टाइल चना दाल तड़का की रेसिपी। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिए। तड़का बनाने के लिए यहाँ पे हमने चने दाल को अच्छे से धो के और पानी में भिगा के एक घंटे के लिए रख दिया था। इसे हमने पानी से निकाल के ले लिया है। तो ये देखिए, फूलकर दाल कुछ इस तरह से हुआ है। हमने यहाँ इस कप से एक कप दाल लिया है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए इसे प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम इसे प्रेशर कुकर में सारे दाल को डाल देते हैं। एक कप दाल के लिए यहाँ पे 3-3.5 कप पानी डाल दें आप इसमें। तो मैंने यहाँ पे 3.5 कप पानी डाला। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। स्वाद के अनुसार नमक डाल दें, मिक्स कर दें इसे। ढक्कन लगा देते हैं और इसे 3-4 सीटी आने तक पकाना है। इसे गैस पर चढ़ा देते हैं और 3-4 सीटी आने तक पकने देते हैं। दाल हमारा पक के तैयार है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तड़का बनाने के लिए दाल को थोड़ा खड़ा ही रखा जाता है, पूरा गलाना नहीं चाहिए। दाल बहुत ही अच्छे से पक गया है, मैं आपको एक मैश करके दिखाती हूँ। देखिए, दाल पकाने के लिए आप पहली सीटी आने तक गैस को हाई फ्लेम में रखें और बाकी की 3 सीटी लो फ्लेम में करें। नेक्स्ट हम तड़का की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक पैन चढ़ाएंगे, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों तेल। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल के गर्म होते ही हमें इसमें डाल देना है 1/2 चम्मच जीरा, तेजपत्ता। इसे फ्राई होने देते हैं। दो हरी इलायची डाल दें इसमें। 4-5 लौंग डाल दें। फ्राई होने देते हैं इन सबको। अब इसमें हींग डाल देते हैं। हींग से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप हींग जरूर से डालें। 4-5 काली मिर्च डाल देते हैं इसमें। 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ लहसुन डाल देंगे। 1/2 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेते हैं। अगर आप लहसुन प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसके बिना भी आप तड़का बना सकते हैं। आप लहसुन प्याज को स्किप कर दीजिए, बाकी की चीज़ों को डाल दें आप। ये फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज प्याज को स्लाइसेस में कट करके तैयार किया है। इसे डाल देते हैं और प्याज को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर प्यूरी। यहाँ पे 1 कप टमाटर प्यूरी डाल देंगे। मिक्स कर लेते हैं और साथ ही में इसमें डाल देंगे कुछ पाउडर मसाले। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे इसमें। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। मिक्स कर लेते हैं और मसाले को अच्छे से फ्राई करते हैं। 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे इसमें। नमक यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से डालें, क्योंकि दाल पकते टाइम भी हमने नमक डाला है। मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं पके हुए दाल। तो यहाँ पे हम दाल को डाल देंगे। इसे मिक्स देते हैं अच्छे से। अब हमें इसे ढक के 5 मिनट के लिए पकने देना है दाल को, ताकि तड़के का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से दाल में चला जाए। 2 मिनट बाद हम ढक्कन को हटा के इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला। इसे मिला देते हैं।
वापस से ढक्कन लगा के इसे 3 मिनट के लिए और पकने देंगे। गैस को हमें यहाँ पे लो टू मीडियम रखना है। 5 मिनट हो चुका है और ये बनके तैयार है, तो यहाँ पे हम ढक्कन हटा के इसे मिक्स देते हैं। तो अब इसमें हमें डाल देना है बारीक कटी हुई धनिया पत्ता और गैस को करेंगे बंद और इसे मिक्स कर लेते हैं। ये दाल थोड़ी गाढ़ी रहती है, आप देख सकते हैं ये कितना टेस्टी बनके तैयार हुआ है। अभी तड़का हमारा पूरी तरह से तैयार नहीं है, अभी इसे हमें घी से फ्राई करना है। तो पहले यहाँ पे हमें एक सर्विंग प्लेट में निकाल देना है। तो यहाँ पे ये टेस्टी दाल को मैं निकाल देती हूँ। नेक्स्ट हम एक तड़का पैन चढ़ाएंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। आप इसे सर्व करने से पहले देसी घी का तड़का लगा, इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। घी को गर्म होने देते हैं। आधी चम्मच जीरा डाल देते हैं इसमें। 2 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। इसे फ्राई होने देते हैं। ये फ्राई हो गया, अब हम करेंगे गैस को बंद और इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और तड़के को डाल देंगे दाल में और इसे मिला देते हैं यहाँ पे। ये पूरी तरह से बनके तैयार है। इसे थोड़ा गार्निश कर लेते हैं धनिया पत्ता और हरी मिर्च से। एकदम ढाबा स्टाइल में तैयार हुई चना दाल तड़का आप नान चावल चपाती के साथ लंच या डिनर में सर्व करिए, बहुत ही पसंद आएगा सबको। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।